हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्रीनंद एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मम्मी कर रही हैं अभी नमक बनाने की तैयारी। नमक मतलब बोल जीरा मन जिसे बोलते हैं, तो हम लोग घर पर ही बनाते हैं। वो जीरा मन बाज़ार का जीरा मन मतलब खा लेते हैं, लेकिन मम्मी जैसे मम्मी हो गई या जो ऐसे बड़े लोग होते हैं वो नहीं खाते हैं बाज़ार का, तो मम्मी घर पर ही बना देती हैं जीरा मन। तो मम्मी अभी वही बना रही हैं, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं। सारे मसाले मिक्स करके उनको पीस लेते हैं और एक बहुत टेस्टी सा बहुत सारे मसाले उसमें डालते हैं और टेस्टी सा जीरा मन बना देती हैं घर में। तो मम्मी भी वही बना रही हैं, सब हमने मिला लिया है। इसमें ये क्या सौंफ, जीरे, लौंग, काली मिर्च और मिर्ची और ये मेथी वगैरह, इसमें अमचूर है और हींग, हल्दी पता वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें और भी नमक और जो जो भी मिक्स होता है ये सारी मिक्स करके मम्मी बना रही हैं। और ये रखे हैं अभी नींबू, इतने सारे कटे, तो इनका भी मम्मी अभी अचार डाल देंगी इनका भी। और मतलब ऐसा कि नॉर्मली जो सूखा मसाला ऊपर से डालता है तो वैसा वाला मसाला डाल के अचार बन जाएगा। और घी निकाल लिया, तो मम्मी घी डालेंगी अभी। फिर अभी देखते हैं मम्मी कैसे बनाती हैं। हो गया और फ्रेंड्स देखिए, ये मम्मी का जीरा मन बन के रेडी हो गया है। मम्मी ने पूरे मसाले अच्छे घर के घी में ही सेक लिए थे, घर का घी ही यूज़ किया था, घर के सारे मसाले थे। और क्योंकि हम लोग होममेड ही नमक बना रहे हैं, बस वो ठंडा हो गया तो उनको पीस कर ये मम्मी चाल रही हैं। अच्छा देखो कितना अच्छा बारीक नमक निकल रहा है, ये हमारा जीरा मन बन गया है। और अगर आप मेरे जीरे मन की, मम्मी की जीरा मन की रेसिपी जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर मम्मी से कह के आपके साथ अपनी वो जीरा मन की रेसिपी जरूर शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है ये नमक खाने में और होममेड ही है तो हमें बाजार का नहीं खाना होगा। हम लोग ऐसे नहीं खाते, हम लोग घर का ही नमक खाते हैं। तो मम्मी का बहुत सारा बन गया है, ये देखो जीरा मन हमारा इतना सारा बन के रेडी हो गया है। हाँ दीदी को मम्मी, और ये देखो ये हमारा अचार भी डल गया था, कितना प्यारा अचार डल गया है, ये बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग कल भर देंगे एक कांच की बॉटल में। सो अभी बच गए हैं दोपहर के 1:45 और मैं हो गई हूँ रेडी और दर्श भी हो गया है रेडी। और दर्श अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है रेडी होने के बाद, क्योंकि उसकी अभी जो क्लास ऑफ हुई है तो उसको वर्क मिला है, तो दर्श अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है ये बैठ कर। दर्श क्या लिख रहे हो? पी। दर्श लिख रहा है लेटर पी। सो बस अभी हम लोग रेडी इसलिए हुए हैं। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज टर्न करो, उसको कंप्लीट करो। सो अब हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अभी हम लोग रेडी इसलिए हुए क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके अभी, क्योंकि आज मुझे वहाँ थोड़ा सा काम है। जैसा कि अभी आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि भाभी का बेबी शावर मैंने किया था, तो अभी जो वही जो गुड़ के लड्डू बनते हैं उसी का थोड़ा बहुत काम मम्मी ने स्टार्ट किया है करना, तो मैं उसी लिए जा रही हूँ घर। अब वहीं जाके और देखते हैं कि क्या कैसा हो, कि क्या करना है, क्यों जा रहे हैं। सो बस अब अभी मैं और दर्श जाएंगे, थोड़ी देर से स्कूटी आ जाए तब जाएंगे, फिर मैं आपको वहीं जाकर मिलूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको वहीं जाकर मिलूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी घर, मैं 2 बजे के समथिंग आई थी और अभी बज गए हैं 3:30 और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और दर्श कर रहा है मस्ती या ऊधम कुछ भी। क्या कर रहा है दर्श? ऐसे ये जो पंखा साफ हुआ था तो उसकी ये रिंग है जो सीलिंग फैन होता है उसकी ये रिंग ऐसी निकली है, तो दर्द से क्या कर रहा है दर्द, करके दिखाओ। जल्दी जल्दी मुझसे नहीं बनता ऐसे। हाँ, और अब बस हम लोग चाय पी के अब हम थोड़ा सा काम करेंगे, जो गुड़ के लड्डू बनने हैं उसका हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। मतलब बहुत सारा काम तो मम्मी ने कर लिया है, जो और सारी चीज़ें कटनी थी, मसाला जो गुड़ के लड्डू से में जो मसाला डालता है वो तो सब कटना था, वो तो मम्मी ने सब काट लिया है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। तो हमारे इधर ऐसा होता है कि जो सौंठ वगैरह है वो घर के लोग नहीं कूटते हैं, नहीं बांटते हैं, इसीलिए मम्मी ने कहा कि तुम
आकर उसको खल में से उसको फाइन कूट देना। तो बस अब मैं बस वही मम्मी का वही काम मैं कर दूँगी। इसके अलावा सारा काम मम्मी ने कर लिया है अपने लड्डू का, क्योंकि अब जब भाभी की डिलीवरी होगी तो गुड़ के लड्डू बनते हैं, इसीलिए बस जो बस चाय पी के करते हैं अपना काम स्टार्ट। सो गाइज मैंने जो है सॉर्ट पीस लिए है, मतलब खल में से मैंने बांट दिया है उसको, बात छोटा छोटा सा कर दिया है। देखो इतनी सारी सॉर्ट मैंने इसको बांट कर रख दिया है, देखो जरा कितना बड़ा बाउल है ये, इतनी पूरी। अब मम्मी जो है इसको मिक्सी में से और अच्छे से फाइन कर लेंगी तो ये बहुत अच्छे से और बारीक हो जाएगी जो लड्डू है उसमें डालने के लिए। देखो जरा इतनी सारी मैंने इसको रख दिया है, और अब इसके बाद मैं इसमें पीस खाली पैसे पीसूँगी। ये अश्वगंध बोलते हैं इसको, इसको भी लड्डू में डाला जाता है जो डिलीवरी के लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ उसमें, तो ये लकड़ी जैसा होता है अश्वगंध। तो इसको देखो इतना सारा है क्वांटिटी, देखो आप इसकी, तो अब मैं इसको भी बांटूंगी खाली पैसे। और ना ये जो खल की देखो ये जो लोहिया है ना इसकी, तो ये है लोहे की, इतनी हैवी है ये कि मेरी जो फिंगर है ये पकड़ पकड़ी, मेरी फिंगर बहुत दुखने लगी है अभी से। और अभी दो तीन आइटम और जो है मुझे इसमें खल में इसको कूटना है, पर ये इतनी हैवी है ये कि क्या ना बताएं, तो बहुत हैवी है ये। तो चलो इसको डालते हैं अब थोड़ा सा इसमें, और अभी मैंने बांट लिया है ये पीपरा, ये इतना है क्वांटिटी में, ये पीपरा बोलते हैं इसको। ये मतलब मैंने आपको दिखाया नहीं कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है पीपरा। इसको भी लड्डू में डालते हैं, इसको भी मैंने इसको इतना देखो बांट के रख दिया है। और अश्वगंध भी मैंने अभी पूरा नहीं बांटा है, इसका इतना है अभी और बहुत सारा रखा है इसको बांटेंगे। देखो इतना रखा है, अब करते हैं, अब बहुत देर हो गई बांटते बांटते, ये फिंगर बहुत दुखने लगी है। और मम्मी ने मुझे पैसे दिए नैंग के, मतलब मैंने ये सब बांटा था, मम्मी ने मुझे पैसे दिए नैंग के। सो फ्रेंड्स अभी बच गए हैं शाम के 6:30, और अब मैं खा रही हूँ खाना, मम्मी बना रही हैं गरम गरम पूड़ी मेरे लिए, और मम्मी आम का अचार लेने वाली है, आम के अचार के साथ गरम गरम पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और मैं दर्श को कहीं कहीं खाना खिला रही हूँ, दर्श ने एक्चुअली अपने कपड़े पूरे गीले कर लिए हैं, तो दर्श बिना कपड़ों के बैठा है तो मैंने दर्श के कपड़े उतार दिए क्योंकि उसने गीले कर लिए, मैं उसके और दूसरे कपड़े लेकर नहीं आई थी। कोई नहीं अभी सूख जाएंगे, अभी देखो मैं खाना खा रही हूँ। मैंने आज मुझसे कुछ ना, तो अभी वो सूख जाएंगे। सो आज मैंने भाभी से कहकर कोफ्ते की सब्जी बनवाई थी, क्योंकि आज मुझे कोफ्ते की सब्जी खानी थी। सो कोफ्ते की सब्जी और गरम गरम पूड़ी अचार, तो यहाँ और यहीं से मैं दर्द भी खिला रही हूँ। पापा ने खाना खा लिया, उसके बाद मम्मी भाभी खाएंगे, फिर जब तक भैया भी आ जाएगा। सो गाइज अभी मैं आ गई थी घर 7:30 की समथिंग, मैं घर वापस आ गई थी भैया के साथ, और अभी बज रहे हैं रात के 9, और मैं बना रही हूँ अभी चाय दर्श के लिए। सबसे पहले दूध बनाया हल्दी वाला, क्योंकि दर्श को थोड़ी सी सर्दी हो रही है, कफ हो रहा है, तो इसलिए हल्दी वाला दूध बनाया है कि वो फ़ायदा करता है, इसलिए अब बन रही है चाय। पापा मम्मी और उनके लिए ले रही है चाय, बन रही है मेरी, आप लोग पियेंगे तो चाय टेस्टी टेस्टी से। बस फिर चाय बन के बताते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। सो गाइज अभी बच गए हैं रात के 10:30, और बस अब मैं ऊपर रूम में आके अब मैं दर्द को सबसे पहले पिलाऊंगी दवाई। मैं दर्द की मेडिसिन लेके आई, 3 मेडिसिन है दर्द की, एक पैरासिटामोल है और एक खांसी के लिए है और ये एंटीबायोटिक है। ये तो दर्द ने दर्द आपने कौन कौन सी पी ली थी? देखना दर्श इतना ब्रेव बॉय है, देखना बस एक बार। अरे भाई ये तो ऑरेंज फ्लेवर है, हाँ एक मैंगो फ्लेवर थी, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी, ये तो सारी फ्रूट वाली है, ये अम्मी सी है ना अच्छी। अरे 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 पानी पिएगा, अच्छी नहीं है,
हो गया। अब चलो आप बाय कर दो आप सब लोगों को। बाय बाय गाइस। बाय बाय ना गाइस। आपको मेरी दवाई रहती है तो कुकी लेना। मैं हाथ फ्लूट वाली बहुत अच्छी दवाई। अगर आपको मेरी दवाई अच्छी लगी तो पी लेना और दर्द को देख करना कि दर्द से जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी खांसी और उसकी कफ जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। और बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। भगवान जी मेरे दर्द की जल्दी से खांसी ठीक कर देना और उसको जल्दी से ठीक कर देना, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो रैबिट बना, दर्द भी रैबिट बन जाएगा, है ना। चलो बाय, गुड नाइट, जय श्री इंद्र, जय श्री करो, बाय।